अल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी ड्राइंग को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के साथ कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है। ऑटोकैड के अंदर मास्टर प्लान एक ड्राइंग मैंने ओपन कर रखी है। ये मास्टर प्लान ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ड्रा किया गया है। इस प्लान के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस मास्टर प्लान के अंदर से किसी भी एक बिल्डिंग्स के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के मुताबिक उस बिल्डिंग के एरिया को यहाँ से कॉपी करके सेपरेट दूसरी ड्राइंग में यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस मास्टर प्लान के अंदर से ओनली जस्ट इस वन बिल्डिंग के एरिया को यूज़ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने इस बिल्डिंग के एक कॉर्नर पर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट शो किए हैं। उसके बाद हमने एक और ड्राइंग विंडो ओपन कर लेनी है। ड्राइंग विंडो ओपन करने के बाद दोबारा से हम अपनी ड्राइंग के अंदर आकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस एरिया को हमने दूसरी ड्राइंग में ले जाना है उसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है और दोबारा से एम्प्टी ड्राइंग विंडो के अंदर चले जाना है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग राइट क्लिक करने के बाद क्लिपबोर्ड में जाकर डायरेक्ट पेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। पेस्ट बटन पर क्लिक करने से आप देखेंगे कि हमने जिस ड्राइंग एरिया को सिलेक्ट किया है उसके साथ माउस पॉइंटर अटैच है और हमें इंसर्शन पॉइंट का ऑप्शन मिलता है। हम किसी भी जगह पर ऑटोकैड के अंदर जब इस सिलेक्टेड एरिया को पेस्ट करते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर पेस्ट नहीं होती, इसलिए हमने अपनी ड्राइंग को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के मुताबिक पेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ नहीं करना है। मैं इस ड्राइंग को डिलीट करने के बाद दोबारा से मास्टर प्लान की तरफ जा रहा हूँ। मास्टर प्लान के अंदर जाकर दोबारा से मैं अपने इस बिल्डिंग के एरिया को कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद दोबारा से एम्प्टी ड्राइंग विंडो के अंदर जाकर राइट क्लिक करने के बाद क्लिप बोर्ड के अंदर लॉस्ट ऑप्शन पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करूंगा तो मेरी ड्राइंग पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद मेरी ड्राइंग नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं जेड इंटर ही इंटर करूंगा तो मेरी ड्राइंग जूम होकर मेरे सामने शो हो जाएगी। मेरी ये ड्राइंग ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के मुताबिक पेस्ट हुई है, इसलिए मैं दोबारा से कोऑर्डिनेट्स कमांड लेते हुए इस बिल्डिंग के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट शो कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं सेम वही कोऑर्डिनेट हमें शो हो रहे हैं जो कि मैंने मास्टर प्लान के अंदर इस बिल्डिंग के कॉर्नर पर शो किए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।